नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई के बाद बिहार की सियासत काफ़ी गर्म है। अब देश के गृह मंत्री अमित शाह का भी इस पर बयान आ गया है। अमित शाह ने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार सरकार को जमकर फटकारा है। उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू देते वक्त कहा है कि आनंद मोहन की रिहाई पर पार्टी का स्टैंड क्लियर है, आनंद मोहन को छोड़ना कहीं से भी सही नहीं है। अमित शाह ने कहा कि पार्टी इसके खिलाफ है। जब उनसे पूछा गया कि राजीव प्रताप रूडी और गिरिराज सिंह जैसे नेता आनंद मोहन की रिहाई का समर्थन कर रहे हैं, इस पर अमित शाह ने कहा कि बीजेपी का मानना है कि यह गलत हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि ना जाने किसने इस फैसले का स्वागत किया है, हो सकता है किसी ने कुछ कहा हो, लेकिन बीजेपी इसे गलत मानती है। तो देखिए, आनंद मोहन की रिहाई पर लोग संशय में थे कि आखिर बीजेपी का स्टैंड क्या है, क्योंकि बीजेपी के कुछ नेता जहां आनंद मोहन की रिहाई का स्वागत कर रहे थे, तो वहीं बीजेपी के कुछ नेता इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन अब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्लियर कर दिया है कि पार्टी जो है इसके खिलाफ में है, यानी कि आनंद मोहन को जो रिहा किया गया है वो सरासर गलत है। आपको बता दें कि आनंद मोहन की रिहाई के बाद से ही खूब सियासत हो रही है। पहले बीजेपी के ही नेता ने रिहाई की मांग की थी। बीजेपी के सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश सरकार से आग्रह किया था कि आनंद मोहन को छोड़ा जाए, लेकिन जब आनंद मोहन को छोड़ा गया तब से बीजेपी इसका विरोध कर रही है। वहीं बता दें कि आज आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद की शादी है, और वहीं जब से आनंद मोहन रिहा हुए हैं जेल से, तब से वो मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी चल गया है। डीएम जी कृष्णैया के पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था, और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी, और सुप्रीम कोर्ट ये फैसला लेगा कि क्या आनंद मोहन को छोड़ना सही है या गलत है, यानी कि अब आनंद मोहन की जो किस्मत है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है। तो देखना होगा कि 8 मई को सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है। इधर बिहार सरकार और महागठबंधन के नेता ये कह रहे हैं कि कुछ भी कानून के विरोध में नहीं हुआ है, कानून के जरिए जो है आनंद मोहन की रिहाई हुई है। आनंद मोहन अपने सजा को पूरा कर चुके थे, और उनका व्यवहार को देखते हुए, बेहतर व्यवहार को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने जेल मैनुअल में कुछ बदलाव किए, जिसके बाद आनंद मोहन समेत 26 कैदियों को जेल से रिहा किया गया, जिसको लेकर खूब राजनीति हो रही है। अब गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान सामने आ गया है। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो